जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई आप देख ही सकते हैं एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है हर हर महादेव नारों के साथ। ये हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर, और भाई गजब की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेंपल, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है भाई। गाइस फाइनली बहुत लंबी चढ़ाई के बाद पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक पे भाई। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई आप मेरे पीछे सराउंडिंग्स देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग जो है वो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, कितना एक्साइटिंग होने वाला है। और भाई फिलहाल अभी हम लोग हैं चोपता में, और कल हम लोग आ गए थे यहाँ पे अराउंड 7 बजे शाम को, बट भाई इतना ज़्यादा थक गए थे यार, इतना ज़्यादा थक गए थे कि मेरे को फ़ोन उठा के ब्लॉग बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और रास्ते में हम लोग मतलब नोएडा से चले थे हम लोग परसों रात में 12 बजे, तो सुबह तक हम लोग पहुँच गए थे ऋषिकेश। फिर हम लोगों ने ऋषिकेश के आगे देव प्रयाग में स्नान किया था संगम में, और हमारी भाई गाड़ी का मानना पड़ेगा यार, वही गाड़ी को हैट्स ऑफ है भाई, गाड़ी ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। इतना खतरनाक रास्ता, अच्छे अच्छे की हालत खराब हो गई। मेरे पीछे जो आपको जंगल दिख रहे हैं ना, और इसमें आपको बीच बीच में पिंक पिंक फ्लावर्स दिख रहे होंगे, इसे कहते हैं बुरांज। तो भाई ये जो बुरांज होता है उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर होता है, और इसका एक शरबत बनता है जो कि बहुत टेस्टी होता है। और ये जो मेरे पीछे छोटा सा एक आप कस्बा देख रहे हैं, यही है भाई चोपता। बहुत शांत है यार, बहुत मतलब अगर आपको कोई ऐसा डेस्टिनेशन चाहिए ना एकदम भीड़ भाड़ से हटके एकदम शांति में, तो भाई मैं तो आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर से ज़रूर रहिए। और चलिए अब आप मैं दिखाता हूँ, अब आप मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़। तो भाई ये फ़िलहाल अभी हम लोग अपने होटल में खड़े हुए हैं, और ये देखो भाई जस्ट अमेजिंग यार, क्या व्यू है भाई। ये वाली पीक जो आप देख रहे हो ये है चौखम्मा पीक, वो वाली पीक है नंदा देवी पीक, और ये मतलब केदारनाथ रेंज कहलाती है, और केदारनाथ उस डायरेक्शन में ही है भाई। इतनी ठंड है यार, इतनी ठंड है। ये देखो भाई बुरांज के फूल यहाँ भी लगे हुए हैं, और वहाँ अगर आपको पीछे घाटी में कुछ कैंप्स नज़र आ पा रहे हो तो वो कुछ कैंप्स लगे हुए हैं, बट हम लोगों ने वहाँ रुकना प्रेफर नहीं किया बिकॉज यार वहाँ ना कैंप्स में भाई बहुत ठंड लगती है, और कीड़े मकोड़े भी आते हैं, प्लस थोड़ा सा वहाँ पे मतलब सेफ्टी वगैरह का भी इशू रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सही था क्योंकि यहाँ पे मतलब छोटा कस्बा वगैरह है। तो चलो भाई फ़िलहाल अभी हम लोग रेडी होते हैं, और उसके बाद रेडी होकर निकलेंगे हम लोग तुंगनाथ जी की ट्रैक के लिए, एंड वहाँ से फिर ऊपर हम लोग जाएंगे चंद्रशिला। तो यहाँ के लोकल से कल हम लोगों ने बात की थी तो बताते चंद्रशिला पे आपको हल्की फुल्की बर्फ़ देखने को मिल सकती है, तो चंद्रशिला हम लोग जाएंगे। और भाई हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं भाई, और भाई जब रही होंगी आप नहाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है भाई। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे तुंगनाथ जी की ट्रैक पर। तो भाई फ़िलहाल अभी बच्चों हैं सुबह के 7, और भाई हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं यार, फिलहाल होटल से तो निकल गए हैं, और यहाँ पे कहीं देख रहे हैं ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। और हमारा होटल वो है यार, सामने मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखो ये अनुकंपा करके है हमारा होटल, और जो हमारी ट्रैक स्टार्ट होने वाली है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये जो गेट आप देख रहे हैं रेड कलर का, यहाँ से ऊपर पहाड़ों में जाता है ट्रैक का रास्ता। तो बस अभी फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और ले चलते हैं आपको तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर और चंद्रशिला ट्रैक पे। तो भाई ये जो तुंगनाथ जी की ट्रैक का मेन गेट है, इसके सामने ही जस्ट एक होटल है, मैं आपको होटल का नाम बता देता हूँ, इसका नाम है भाई तुंगेश्वर राजकमल होटल एंड रेस्टोरेंट। ये देखो भाई गर्मा गर्म पराठे कुछ हम लोग यहाँ से खा के जाएंगे, और कुछ पैक करवा के ले जाएंगे ताकि ऊपर हमें दिक्कत ना आए। तो बस अभी यहाँ से करते हैं ब्रेकफास्ट और फटाफट बस चलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे हैं भाई। ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म एकदम कड़क चाय मिल जाए भाई, मज़ा ही आ जाए। और ये देखिए ऐसे लकड़ी पर बनाते हैं, तो भाई ऐसी लकड़ी पर बनी हुई चाय का टेस्ट ना अलग ही आता है भाई, अलग ही टेस्ट है इसका भाई, मज़ा आ गया यार चाय में, हैट्स ऑफ यार।
तो वही फिलहाल हम लोग छाट रहे हैं लाठी, और लाठी बहुत ज़रूरी है भाई ऊपर जाने के लिए, तो सही लाठी का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो बहुत हैं सदा राखी है सही नद नाले जहाँ वहाँ बचाव है अंग, लाठी को लेकर एक आवाज कही जाती है, बस लाठी है तो बस ये वाली बेस्ट है। चलो भाई लाठी हम लोगों ने फिलहाल कर ली। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तुंगनाथ जी का मेन जो ट्रैकिंग का गेट है वो ये है। देवांश भी रेडी है दो दो लाठियां लेके, मैं भी रेडी हूँ लाठी लेके। ब्रेकफास्ट हमने कर ही लिया है, स्टार्ट हो रही है। तो बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो भाई एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल पे है, सब लोग बहुत एक्साइटेड है। तो चलो भाई करते हैं ट्रैक को स्टार्ट। देवान से शंगी बजा दिया है, चलो भाई घंटियों के साथ करते हैं ट्रैक की शुरुआत। जय भोले बाबा, शक्ति देना। चलो भाई ट्रैक शुरू हो चुकी है फिलहाल। पढ़ के ये देखिए भाई, ये है मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि 1800 फीट की ऊंचाई, 18000। हाँ। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, 5000 साल पुराना ये मंदिर स्वयं पांडवों ने निर्मित किया था। महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे बंधुओं गुरुओं का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए ऋषि व्यास की सलाह से ये मंदिर बनाया था। तो भाई ये है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जिसके आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो भोले बाबा का आशीर्वाद हम ले चुके हैं एंड चलिए करते हैं अपनी इस ट्रैक को शुरू। भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं भाई, ये देखिए बुरांस के जंगल हमारा स्वागत कर रहे हैं। और बुरांस जो है वो उत्तराखंड का एक नेशनल फ्लावर भी है। और भाई साहब ये देखो भाई, गजब यार, गजब, व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू भाई, मज़ा आ गया यार। मतलब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देख के भाई तबीयत खुश रहती है यार। तो भाई नीचे चोपता से ऐसे हम लोग 100-200 मीटर ऊपर आए, वैसे यहाँ पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक हट है, इसमें लोग एंट्री करते हैं। सर पर पर्सन का कितना फीस है? बोर्ड। तो भाई ये बोर्ड है जिसमें आपको 5 साल से कम आयु के बच्चे का फ्री है, 5 से 18 साल का 50 रुपीज़ है, 18 साल से ज़्यादा का स्टूडेंट अगर है तो 100 रुपये, और अडल्ट का 200 रुपये, सीनियर सिटीज़न का 100 रुपये, और NRIs या फॉरेनर्स का 800 रुपये। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री करा रहे हैं। मीनवाइल देवांश बहुत एक्साइटेड है। और भाई मेरे पीछे देखो यार, गजब, व्हाट अ व्यू, ये देखो भाई, ये देखो भाई, असली मज़ा तो इस चीज़ का है यार। मैं आपको थोड़ा और नीचे आके दिखाता हूँ, ये देखो भाई असली मज़ा तो इस चीज़ का है यार। मतलब ये व्यू देख के ना भाई तबीयत खुश हो जाती है। बहुत ही आनंद आ रहा है। और चलिए आगे तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको और दिखाते हैं आगे। तो भाई हम लोग धूप की तरफ आ चुके हैं, और भाई साहब ये देखो भाई, भाई मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता भाई कितना मज़ा आ रहा है। और बर्फ़ से ढके सफ़ेद पहाड़, एकदम नेचुरल ब्यूटी है यार, नेचुरल है एकदम भाई, मज़ा आ गया यार, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। तो भाई अभी हम लोग चोपता से अप्रॉक्स 1.25 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए पीछे आपको सारे बुरांश के जंगल दिख रहे होंगे, बट यहाँ इस पॉइंट के बाद बुरांश के जंगल ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे बुग्याल शुरू हो गए। बुग्याल बोलते हैं ये जो अभी तक बुग्याल बोलते हैं, बेसिकली जो ये ओपन मैदान होते हैं ना इनको बुग्याल कहा जाता है। और अब हमें ना बीच बीच में ऐसे खूब सारे बुग्याल देखने को मिलेंगे,
तो इसका एक ये संदेश है कि हम लोग अब जंगलों को पीछे छोड़ के और ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये सारे पेड़ भी ख़त्म हो जाएंगे, एकदम साफ ज़मीन आ जाएगी और केवल वहाँ पे घास होगी, और कुछ टाइम बाद घास भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, मतलब घास भी ख़त्म हो जाएगी, इतने ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। तो भाई यहाँ एक छोटी सी शॉप मिल गई थी, यहाँ पर हम लोग मैगी खाने रुके थे, तो भाई एकदम पहाड़ों की मैगी का तो खैर क्या ही कहना है, अलग ही बात है। तो भाई ये हमारी मैगी आ चुकी है, मैगी के साथ खूबसूरत बर्फीले पहाड़ के नज़ारे, भाई अलग ही आनंद है यार इस चीज़ का, अलग ही थ्रिल है भाई। तो भाई ये जो आपको झंडे लगे हुए दिख रहे हैं, यहाँ से हमें तुंगनाथ मंदिर जी के दर्शन होने वाले हैं, कुछ ही कदम बाकी है, लकी अभी हम पहुँचे नहीं हैं, 1 किलोमीटर और बाकी है, 1 किलोमीटर से कम ही होगा, बट तुंगनाथ जी के जो दर्शन है वो हमें यहाँ से पहली झलक उनकी देखने को मिलेगी भाई। तो भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, भाई क्या नज़ारे हैं भाई, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, पहाड़ी पहाड़, बर्फ से लदे हुए पहाड़ भाई, मज़ा आ गया यार। सो भाई पहली झलक हम लोगों को दिख चुकी है तुंगनाथ मंदिर की, ये देखो भाई ये है तुंगनाथ मंदिर, और वहाँ से ऊपर ये जो आपको पीक दिख रही है ऊपर सबसे ऊपर, बर्फ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे चंद्रशिला पे, ये है चंद्रशिला पीक। अनफॉर्चुनेटली हमें आज बर्फ़ यहाँ नहीं दिख पाएगी, बट सामने आप देखिए भाई कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, भाई गजब के नज़ारे हैं यार, जस्ट अमेजिंग यार। तो मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं वो है चौखम्मा पीक, ये वाली, एंड ऑक्सीजन की बहुत कमी है भाई, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, यार। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था यहाँ पे इस पॉइंट पे कि जितने भी आप ट्रीज़ देख पा रहे हैं ना वो सब मेरी हाइट के नीचे हैं, अब हम जैसे ऐसे ऊपर पढ़ते जाएंगे आप देखिए ट्रीज़ आपको एक भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको घास ही घास नज़र आएगी सारे पहाड़ों पे, क्योंकि जितने ज़्यादा एल्टीट्यूड में आप ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, इसलिए ट्रीज़ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो देखिए आप ट्रीज़ केवल नीचे ही नीचे हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और इस वाले पहाड़ के ऊपर भी आप देखिए सिर्फ घास ही घास है, यहाँ पे ट्रीज़ आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए ऐसे ये वाली घास है, इस टाइप की घास आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, अब आप देख सकते हो भाई एक भी पेड़ नहीं दिखेगा आपको पहाड़ के ऊपर। और ये जो आप आगे रास्ता देख रहे हो इसके पीछे है अपना तुंगनाथ मंदिर और उसके ऊपर चंद्रशिला पीक, तो बर्फ़ तो यहाँ पे है नहीं यार, अभी लोकल्स कहते 10 दिन पहले तक यहाँ पे बर्फ़ थी पूरा, यहाँ ये जो आप जितना भी देख रहे हैं सूखा ये सारा बर्फ़ में कवर्ड था 10 दिन पहले तक। और इस साइड तो आप व्यूज़ देख ही सकते हैं भाई, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, बहुत अमेजिंग है यार। ये देखो भाई नीचे कितना खतरनाक व्यू है भाई, डर लग रहा है उनको देखने में। और ये जो आपको ग्रीन कलर का हट दिख रहा होगा एक, ये वाला, ये है चोपता, और वहाँ पे कुछ आपको कार्स भी पार्क दिख रही होंगी, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी दिख रही होंगी, ये है चोपता, और यहीं पर हम रुके थे, यहीं से हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट की थी। तो भाई फ़िलहाल तो कुछ ऐसा है कि बर्फ़ तो है नहीं बट ठंड बहुत है भाई, और अब तो बादल भी हो चुके हैं, देखिए धूप जा चुकी है, बादल हो चुके हैं, और बस मज़ा आ रहा है भाई बहुत। ये देखो भाई तुंगनाथ जी के पहले दर्शन, बहुत ही अद्भुत भाई, मज़ा आ गया। और ये सारे यहाँ पे नीचे होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और वो है हमारी चंद्रशिला पीक। थकान बहुत हो गई है भाई, हालांकि ये ट्रैक इजी है बट जितना इजी सुनने में है उतना करने में नहीं है, बट एनीवेज मज़ा बहुत आ रहा है, तो चलते हैं आगे। और
पूर्णा जी का मंदिर वहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पे रह गया है, तो चलिए चलते हैं और करवाते हैं आपको पूर्णा जी के दर्शन। हालांकि अभी कपाट बंद है तो दर्शन अंदर से तो नहीं हो पाएंगे। और बर्फ़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये देखिए आप, थोड़ी थोड़ी दिख पाएगी आपको। ये देखिए ये जो बर्फ़ है यहाँ पर, सिर्फ इतनी ही बर्फ़ है यहाँ पे फ़िलहाल अभी। ये देखो भाई, थोड़ी बहुत बर्फ़ तो हमें देखने को मिल गई। ये देखो भाई, ये बर्फ़ है फ्रेश, हमें देखने को मिली है। फ्रेश तो नहीं है बट हाँ थोड़ी बहुत है। ये है बर्फ़, और कुछ वहाँ पर भी है, तो मतलब बर्फ़ तो नाके बराबर ही है। तो भाई सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है चढ़ने में। हम देखिए वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, और ये है अपना तुंगनाथ मंदिर। और यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जाता है ऊपर चंद्रशिला पीक की तरफ। और अभी हमने कुछ लोगों से पूछा, बर्फ़ तो वहाँ पे नहीं है बट यहाँ हमें नीचे वो देखने को मिली थी बर्फ़, बट मौसम बहुत ठंडा हो गया भाई, धूप चली गई है, आप देख सकते हैं बादल आ गए हैं, 0 से भी कम डिग्री है भाई टेम्परेचर यहाँ पे, हाथ पूरे भाई सुन्न हो चुके हैं। और ये आप बोट देखिए, ये जो है अपना तुंगनाथ मंदिर है, एंड ये चंद्रशिला पीक जो है यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर, और हालांकि अभी कपाट तो बंद है इसीलिए भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, बट स्टिल हम आपको दर्शन कराएंगे जहाँ पे आप वो ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहाँ तक अभी जाना अलाउड है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दर्शन करवाते हैं आपको। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई आप देख ही सकते हैं एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा है हर हर महादेव नारों के साथ। ये हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर, और भाई गजब की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेंपल, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है भाई। और ये देखो भाई, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अभी कपाट बंद होने के कारण यहीं तक हम आ पा रहे हैं, और ये है तुंगनाथ मंदिर जी। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। मज़ा आ गया भाई, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, जैकेट के ऊपर से मैंने एक स्वेटर रोल डाल लिया है भाई, हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे। बट आगे ये देखो भाई, रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, कच्चे रास्ते बाकी हैं चंद्रशिला ट्रैक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मज़ा आ रहा है यार, ओवरऑल मज़ा आ रहा है भाई। वहाँ जाना है हमें, इसके ऊपर है, बहुत ऊपर जाना है, अभी 1 किलोमीटर है अप्रॉक्स, 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, भोले बाबा को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। सांस फूल गई यार, बहुत मुश्किल चढ़ाई है। देखो हम लोग वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, और काफ़ी ख़राब रास्ता है भाई, और मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होंगे यार, लोग आ ही रहे हैं यहाँ से अभी भी ऊपर से। और इस रास्ते हमें ऊपर पूरा जाना है, और वहाँ से उधर की तरफ ऊपर, और अंधेरा होने से लौटना भी है बिकॉज ठंड बढ़ जाएगी, बादल हो जाएंगे, तो कुछ भरोसा नहीं है मौसम का। गाइस फाइनली बहुत लंबी चढ़ाई के बाद पहुँच चुके हैं चंद्रशिला पीक पे। और भाई यहाँ से जो व्यू है ना यार, मतलब जितनी आप चढ़ाई करके आते हो और यहाँ आपको जो व्यू देखने को मिलते हैं भाई, जस्ट अमेजिंग है। मतलब वो सारी आपकी चढ़ाई वर्थ इट है भाई, जितनी भी आपको बर्फ़ वाली पहाड़ दिख रही है उनसे आप सारों से ऊपर हो। तो भाई अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और करते हैं चंद्रशिला में माता के मंदिर के दर्शन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिलहाल चंद्रशिला टॉप पहुंच चुके हैं, और बहुत मज़ा आया यार
चढ़ाई करने में। बीच बीच में काफ़ी थकान भी हुई, एक दो बार ऐसा लगा कि छोड़ो यार बस करो, बट ठीक है, मतलब इतना ऊपर आना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ है यार यहाँ से, मतलब जितनी भी थकान हुई यार वो सारी दूर हो गई यहाँ के। और हम लोग निकले थे 7:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो हम लोगों को अप्रॉक्स 6-6.5 घंटे लग गए, बिकॉज हम लोग बहुत आराम से, मतलब बहुत रुक के आए हम लोग, बहुत आराम से फ़ोटो खींचते हुए खाते पीते हुए आए हम लोग, बीच बीच में रेस्ट भी लिए बहुत सारे। तो चलो भाई अब चढ़ाई तो हो गई अब बात है उतरने की।